गाइज वेलकम टू माई YouTube चैनल विनीता भंडारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग से, जहाँ पे हम लोग आज थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं और वहाँ से हम जाएंगे हनुमान मंदिर। तो आज हम जा रहे हैं जो हमारे घर से नीचे जो है रेलवे ट्रैक है, तो उसमें हम जाएंगे थोड़ा सा आगे तक। तो मेरे साथ हैं मेरी भतीजियाँ वेदांश विदुषी। तो बस हम निकल चुके हैं घर से और आ चुके हैं रेलवे ट्रैक पर। दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन मेरे साथ जा रहे हैं। हम सभी लोग निकल चुके हैं रेलवे ट्रैक की सैर पे आज। एंड यहाँ पे मेरे साथ है वेदांश और जो मेरी भतीजियाँ हैं वो काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। मेरे साथ हैं मोनिका, सोनिया, तानिया और सलोनी, और इनके साथ है आगे विदुषी भी। ये इन सभी ने आप लोगों को किया है। और बस यहाँ से हम चल पड़ते हैं अपनी सैर पर। तो यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है गाइस। मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि यहाँ से जो व्यू दिखता है इवनिंग में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो आप इंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल से व्यू को। और इस रेलवे ट्रैक पर चलते चलते हम आ गए थे काफ़ी आगे, और ये है सलोनी जो कि आप सभी को कर रही है हाय। और अपने आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये है पूरा जंगल का एरिया जो कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल है गाइस। एंड ये जो रेलवे ट्रैक है यहाँ से आप सीधा जा सकते हैं लच्छी वाला डायरेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट रूट है लच्छी वाला जाने का। एंड यहाँ से देखिए हनुमान मंदिर भी दिखाई दे रहा है जो कि दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और यहाँ से घूमने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे यहीं पे, क्योंकि आज है मंगलवार और हमें जाना है यहाँ पे, क्योंकि मंगलवार को यहाँ पे होता है प्रसाद वितरण, आरती वगैरह, हनुमान चालीसा सभी। तो हम सभी ज्वाइन करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर में। और यह है एक ब्रिज जैसा जिसके नीचे से बहती है नदी, और वेदांश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था यहाँ पर देखने के लिए, इसीलिए हम आ चुके थे काफ़ी आगे यहाँ पे। एंड ये देखिए आप व्यू। वेदांश बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा था कि मुझे नीचे से नदी देखनी है, नीचे से नदी देखनी है, और वहाँ पे ज़्यादा मैंने किया उसको मना। एंड देखिए आप, वो बिल्कुल हम लोगों से अलग खड़ा है। बाद में वो आ गया था हमारे साथ। और ये जो आपको मोड़ दिख रहा है, ये मोड़ यहाँ पर से ट्रेन काफ़ी ज़्यादा धीरे हो जाती है गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक बैंड जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बैंड है। तो बस वहाँ से घूम के हम आ चुके थे हनुमान मंदिर। सबसे पहले हमने किए थे वहाँ पे दर्शन और हमें मिला वहाँ पे प्रसाद। तो तानिया को मैंने और विदुषी को मैंने यहाँ पे दिया प्रसाद। और अभी टाइम था आरती होने में, तो हमने सोचा थोड़ा आगे की सैर कर ली जाए। तो यहाँ पे हम निकल चुके थे अब हनुमान मंदिर से, जो आगे सीधे रोड जाती है उधर की तरफ, ये पड़ता है नदी का एरिया, जहाँ पे मैंने आपको पिछले व्लॉग में जब गृह प्रवेश में गई थी तो वो एरिया दिखाया था ना मैंने आपको। तो यही वो एरिया पड़ता है जहाँ पे काफ़ी लोग पिकनिक मनाने आते हैं गाइस। तो हम बस थोड़ा सा आगे ही जाने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आप शनिदेव का मंदिर, और यहाँ पर देखिए होलिका दहन की तैयारियाँ भी शुरू हो गई, क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़े दिन बाद होली आने वाली है। एंड यहाँ पर आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू था। बस थोड़ा सा आगे जाके हम आ चुके थे, अब ये देखिए व्यू, इन्जॉय कीजिए इस व्यू को। एंड ये है वेदांश का दोस्त मनन, ये देखिए आप बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हुए। तो बस आरती शुरू होने ही वाली थी, तो हम लोगों ने अपना स्थान यहाँ पे ग्रहण कर लिया है। ये देखिए सबसे पहले होती है यहाँ पर हनुमान चालीसा, उसके बाद होती है आरती, और उसके बाद मिलता है यहाँ पे प्रसाद। तो अचानक आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइमेट कितना सडनली चेंज हो चुका है। जब हम घर से आए थे तो बिल्कुल गाइस एक बादल तक नहीं था आसमान में, और यहाँ पे देखिए आप आरती करते करते कितना ख़तरनाक मौसम, और सभी को आपको पता ही है अंधेरा भी हो चुका था, और सभी को यहाँ पर बच्चों को जल्दी हो रही थी घर जाने की।
एंड सडनली इस देहरादून के मौसम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते गाइस कि कब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाए। एंड बस हमने जल्दी जल्दी से ले लिया था प्रसाद, हमने प्रसाद वहाँ पे नहीं खाया क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, लाइट भी चली गई थी गाइस, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब चली गई थी क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और आप देख सकते हैं पेड़ पौधे, बहुत ही डरावना मौसम था। और हम सभी ने अपने प्रसाद को ले लिया था और निकल चुके थे सब हम अपने घर की तरफ। ये देख सकते हैं आप, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो स्ट्रीट वगैरह की लाइट थी वो चली गई थी। और बस हम सब यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। और बस सोनिया ने मुझे किया बाय। और यहाँ पे आज सोनिया ने चढ़ाई थी वहाँ पे बूंदी, तो विदुषी नहीं था वहाँ पे, विदुषी भी नहीं थी, तो उनको प्रसाद देते हुए मैंने किया अपना गेट बंद एंड एंजॉय किया अपना प्रसाद। तो गाइज हनुमान मंदिर से आके हमने खा लिया था अपना प्रसाद एंड यहाँ पे हो चुका है हमारा डिनर। तो यहीं पे करती हूँ मैं आज अपने व्लॉग की एंडिंग। वेदांश एंड विदुषी आज देख रहे हैं टीवी क्योंकि आज वो फ्री हो चुके हैं अपने एग्ज़ाम्स से, वरना अभी तक तो उन्हें टेंशन हो जाती पढ़ने की। तो बस आज यहीं पे करती हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।